स्वास्थ्य से जुड़ी। नमस्कार, पत्रिका टीवी के एजेंडा टुडे कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नकुल आपके साथ। इस कार्यक्रम में होती है बड़ी खबरों पर चर्चा। इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक शरद शर्मा जी। शरद जी, स्वागत आपका कार्यक्रम में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज के सुविचार के साथ। आज का सुविचार है, जिंदगी में खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं है। जिंदगी में खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं है, हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार करती है। इसी सुविचार के साथ बढ़ते आगे, जान लेते हैं आज के खास कार्यक्रम। आज खास कार्यक्रमों में लोकसभा चुनाव को लेकर जारी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनावी दौरे। आज तमिलनाडु के पेरम्बलूर में करेंगे सार्वजनिक सभा को संबोधित। भाजपा के लिए करेंगे वोट अपील। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज उत्तर प्रदेश के नोएडा में करेंगे चुनाव प्रचार। सार्वजनिक रैली को करेंगे संबोधित। कांग्रेस, इंडी गठबंधन और अन्य राजनीतिक दलों ने भी झोंक दी है प्रचार प्रसार में पूरी ताकत। राहुल गांधी आज महाराष्ट्र के भंडारा गोंदिया में, तो वहीं अखिलेश यादव आज बिजनौर और नगीना में करेंगे चुनावी रैली। लोकसभा चुनाव के लिए आज जारी होगा राष्ट्रीय जनता दल यानी RJD का घोषणा पत्र। पार्टी प्रमुख लालू प्रसाद यादव करेंगे जारी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का सीकर दौरा। आज फतेहपुर में रोड शो करके भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में करेंगे वोट अपील। राजस्थान के सीकर जिले के बाय गांव में SC/ST वर्ग महासम्मेलन आज। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर करेंगे संबोधित। श्री माधोपुर और लक्ष्मणगढ़ में भी इसी तरह के सम्मेलन का होगा आयोजन। 9 दिवसीय नवरात्र का 5वां दिन आज स्कंद माता की पूजा का है विशेष महत्व। जयपुर के आमेर स्थित शीला माता मंदिर सहित अन्य देवी मंदिरों में पूजन दर्शन के लिए उमड़ रहे भक्त। और बात IPL क्रिकेट की। IPL में आज राजस्थान रॉयल्स का सामना पंजाब सुपर किंग्स से। पंजाब में मोहाली के महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम पर शाम 7:30 बजे से शुरू होगा मैच। 4 मैचों में जीत और 1 मैच में हार के साथ राजस्थान टॉप 1 पर बरकरार। और चलिए अब रुक करते हैं बड़ी खबरों पर चर्चा की। उन बड़ी खबरों पर चर्चा जो आज के राजस्थान पत्रिका अखबार में प्रमुखता के साथ प्रकाशित हुई है। शुरुआत लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई खबरों के साथ। राजस्थान में कल बाड़मेर 2 वजहों से सबसे गर्म रहा, मौसम के लिहाज से भी सबसे ज्यादा गर्म रहा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो बाड़मेर में थे ही और इसी वजह से सियासी पारा काफी गर्माया। किस तरह से देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खासतौर से फोकस किए हुए हैं। कल भी उनका दौरा रहा, कल भी रैली सभाओं में बड़ी बड़ी बातें उन्होंने की। देखिए, PM मोदी का एक तरह से कहा जाए तो ये सब बड़ी रैली या दौरा रहा। एक तो बाड़मेर का, क्योंकि वहाँ पे त्रिकोणीय संघर्ष है तो वहाँ कैंडिडेट को कहीं ना कहीं एक बड़ा सपोर्ट मिला है। दूसरा, उस दौरान मानवेंद्र सिंह को इन्होंने भाजपा ज्वाइन करवाई, अब इस या ये कहें छः साल बाद उनकी वापसी हुई है तो कैंडिडेट को कहीं ना कहीं एक बड़ा सपोर्ट और मिलने जाना है जातिगत वोटों के हिसाब से। अब बात करते हैं PM के उद्बोधन की और जो बातें उन्होंने कही, तो जिस तरह से उन्होंने पोखरण का जो विस्फोट था उसको, उसके बारे में चर्चा की जो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम में किया गया था, और एक सशक्त परमाणु शक्ति के रूप में हमने अपने आप को विश्व के सामने पेश किया था। हालांकि ऐसा नहीं है, पहले भी हमने ये किए थे, प्रयोग किए थे, इंदिरा गांधी के समय में भी हुए थे ये प्रयोग। लेकिन यह है कि आधिकारिक तौर पर अगर बात की जाए, जो एक बेस बना था वो इस हिसाब से इस समय तय हो गया। और उस वक्त विस्फोट भी किए हमने और काफ़ी हमने मतलब विश्व भर में आलोचना झेली, लेकिन हम एक परमाणु शक्ति के रूप में उभर गए थे। तो एक उसको इस तरह से बताना, दूसरा एक रिफाइनरी इस क्षेत्र का बहुत बड़ा मुद्दा है जो पिछले लंबे समय से चला आ रहा है। 2007-08 में जब एक बात क्या कहते हैं यहाँ पे तेल निकलने की बात हुई थी, मंगला जो एक माइन रिजर्व जो मानते हैं आप, उसमें एक बड़ा एक कह सकते हैं कि तेल का भंडार हमको मिला था, तो उस वक्त से एक चर्चा उठ रही थी कि यहाँ पे रिफाइनरी भी अपनी ही होनी चाहिए। लेकिन देखिए अब रिफाइनरी का कभी कहाँ एक लंबा समय निकल चुका है और हम एक तरह से कहें तो हमारा जो तेल का जो खजाना है उसका
काफ़ी हिस्सा जो है हम निकाल चुके हैं, लेकिन अभी तक रिफाइनरी में वो पोजीशन नहीं आई है। हर बार सरकार बदलने के साथ स्टेट में ये चीज़ जो है अलग होती चली जाती है कि एक सरकार का निर्णय कुछ और होता है, दूसरी का कुछ और होता है। तो अब पीएम ने कहा है मैं तीसरे कार्यकाल में आऊँगा और रिफाइनरी का उद्घाटन करूँगा। एक बड़ा आश्वासन उन्होंने जनता को दिया है, क्योंकि कभी कहते थे कि रिफाइनरी आएगी तो दुबई जैसा हो जाएगा बाड़मेर, तो वो 15 साल तो निकल चुके हैं लेकिन अभी तक वो दुबई वाली झलक दिखी नहीं है यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं एक राजनीतिक इच्छा शक्ति जो है इसको लेकर या तो स्पष्ट नहीं है या क्या है, पैसा खर्च हो रहा है, काम भी हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन वो उस लेवल पर काम नहीं हो रहा है। क्योंकि अब तक अगर हम 15 साल में एक रिफाइनरी तैयार नहीं कर पाए तो बड़ी एक अफसोसजनक स्थिति है कि हम इतना बड़ा रेवेन्यू जो है वो छोड़ रहे हैं। बात की जाए केंद्र और राज्य सरकार के रेवेन्यू की रिफाइनरी को लेकर, तो करीबन 1.5 अरब से ज़्यादा रेवेन्यू, सॉरी 1.5 खरब से ज़्यादा अधिक रेवेन्यू केंद्र और राज्य सरकार को मिल चुका है इससे। तो इतना प्रॉफिटेबल असेट है ये हमारा, लेकिन हम उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। फिर बात आती है एक सबसे बड़ी संविधान संशोधन को लेकर, एक बड़ा लंबा चौड़ा मतलब एक पूरे माहौल बना हुआ है। जिस तरह से भाजपा की बार बार बात कही जा रही है कि 400 प्लस या 400 पार वाली, तो वहीं विपक्ष ये कह रहा है कि संविधान को पूर्ण रूप से बदलने की तैयारी की जा रही है, संविधान संशोधन की तैयारी की जा रही है, और इसीलिए 400 पार की बात हो रही है कि 2/3 बहुमत के साथ संविधान को बदला जाए। तो कल पीएम मोदी ने स्पष्ट रूप से गारंटी दी है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो पीएम ने जनता को अश्योर करने की कोशिश की कि जो संविधान है वही रहेगा, उसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, ये मोदी की गारंटी है। तो अब देखिए आगे विपक्ष इसका क्या तोड़ लेकर आता है। जी, और राजस्थान में भाजपा की एक प्रत्याशी हैं, उन्हीं के बयान, ताज़ा बयान के बाद और ये विवाद गहरा गया था। संविधान संशोधन की बात, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला था, बयानबाजी काफ़ी हुई थी, तूल पकड़ गया था वो। देखिए इस मामले में तो ये है कि भाजपा और कांग्रेस या विपक्षी दल वाली हम बात करें तो दोनों की तरफ से इस संबंध में बयानबाजी लगातार चलती रही। भाजपा के कई प्रत्याशियों ने खुलेआम इस बात को कहा कि अब की बार 400 पार और हम बदल देंगे संविधान, ये कई प्रत्याशियों ने कहा घोषित अघोषित रूप से। तो इसको लेकर एक विवाद शुरू से चलता आ रहा है कि ये 400 पार वाली गणित कहीं ना कहीं संविधान संशोधन को लेकर की जा रही है। हालांकि इसका मंतव्य क्या है क्या नहीं है ये तो भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है, लेकिन असली बात जो बार बार जो एक बड़ा विवाद का विषय बनता आ रहा है कि संविधान में ऐसा क्या संशोधन होगा जिसको लेकर दोनों तरफ से इस तरह की बातें हो रही हैं। जी जी, तो बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर प्रधानमंत्री रहे, जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला बना हुआ है और जो प्रदेश की सबसे हॉट सीट में से एक बनी हुई है। और इसी बीच मानवेंद्र सिंह की भी हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आपने जिक्र किया मानवेंद्र सिंह की घर वापसी हुई है, पहले वो बीजेपी में थे फिर कांग्रेस चले गए, अब वापस बीजेपी में आए हैं। लेकिन ये नेताओं के दल बदल लगातार जारी है, चुनाव से एन पहले एंट्री एग्जिट लगातार चल रही है, लेकिन नाम जाहिर सी बात है बड़े अपने आप में नाम है, लेकिन इनका जनाधार अब किस तरह से मान सकते हैं? पार्टी बार बार बदल रहे हैं, ऐसे और भी कई नेता? देखिए जो नेता पार्टी बदल कर जा रहे हैं, अब जैसे सबसे करंट हम बात करते हैं मानवेंद्र सिंह की, तो मानवेंद्र सिंह कि अगर देखा जाए तो उनके पिताजी जसवंत सिंह जो है उन्होंने भी बाड़मेर में क्षेत्र में अच्छी उनकी पकड़ रखी, उन्होंने अपने हिसाब से क्षेत्र के हिसाब से, उसके अलावा उन अन्य जगहों से भी उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा, केंद्र में मंत्री भी रहे, तो एक उनका एक अलग ऑरा था उस समय कि प्रमुख नेता जो बीजेपी के थे। हम बात करें 1998 से 2004 तक का जो रिजीम था एक बीजेपी वाला, उसके अंदर अटल बिहारी वाजपेयी जी, आडवाणी जी, भैरव सिंह शेखावत जी, जसवंत सिंह जी, मुरली मनोहर जोशी जी, तो ये कुछ प्रमुख नाम ऐसे थे जो उस समय फेस हुआ करते थे। सुषमा स्वराज जी का भी मैं नाम लूंगा, तो ये एक फेस हुआ करते थे बीजेपी का, और उसमें जसवंत सिंह जी का नाम भी शामिल था। लेकिन बाद में जिस तरह से कहते हैं कि या तो संबंधों में खिंचाव रहा या आपसी खींचतान रही, तो कहीं ना कहीं ये संबंध खराब भी हुए और पार्टी से भी दोनों दूर हुए। उसके बाद मानवेंद्र सिंह भी बात करें तो करीबन 6 साल पहले कहीं ना कहीं एक खींचतान वाली स्थिति आई और उन्होंने भाजपा छोड़ दी, और खींचतान इतनी बड़ी रही कि तात्कालिक मुख्यमंत्री के बेटे के सामने उन्होंने चुनाव भी लड़ा। तो ये काफी हद तक एक ऐसी स्थिति है कि हाँ
आपसी रिश्तों में खटास है, अब हो सकता है रिश्तों में एक मिठास आ गई हो और ये आया राम गया राम वाली पद्धति। अब जैसे अब बात करें तो जैसे बिहार का भी एक मामला आता है, नीतीश कुमार आते हैं चले जाते हैं, 9 बार चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, या राजस्थान में और बात करें तो महेंद्र सिंह मालवीय जो कभी कहते थे कि भाई कांग्रेस से बड़ा कोई दल नहीं है और कांग्रेस के बारे में जो उनकी कहा जाता था कि वो अपना मात्र संगठन मान के चलते थे, वो अचानक से दल बदल कर निकल जाते हैं। इस तरह से बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं या भाजपा छोड़कर कांग्रेस में। अब राहुल कस्वा एक बड़ा नाम लिया जा सकता है कि पिता पुत्र दोनों भाजपा से सांसद रहे और मौका मिला जब टिकट कट गया तो वो इधर से उधर शिफ्ट हो गए, तो ऐसे कई उदाहरण हो सकते हैं। जी जी कई उदाहरण हैं, प्रहलाद गुंजल का भी नाम है, राजेंद्र सिंह गुढ़ा का भी नाम है, जो कई बार पार्टियां बदल बदल कर जा रहे हैं, कई वर्षों तक एक पार्टी को सेवाएं दी और आखिर में जब चुनाव नजदीक आया पार्टी बदल ली। बहरहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो बाड़मेर में रहे ही है और आने वाले कुछ दिनों में अभी और राष्ट्रीय स्तर के नेताओं यानी स्टार प्रचारक जो टॉप लीडर्स हैं राजनीतिक दलों के, वो राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। इनमें दो नाम प्रमुखता से लिए जा रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी से और कांग्रेस पार्टी से प्रियंका गांधी के दौरे अब राजस्थान में देखने को मिलेंगे। किस तरह से देख रहे हैं ये दोनों बड़े नाम अब राजस्थान में कैंपेनिंग करेंगे? देखिए पहले चरण के मतदान से पहले अमित शाह के तीन बड़े दौरे, तीन प्रमुख स्थलों पर दौरे होने की तैयारी हो रही है। एक अलवर में वो सभा कर रहे हैं 17 अप्रैल को, जो संभावित है कि 17 करेंगे, उससे पहले नहीं 17 अप्रैल तक विभिन्न जगह दौरे कर रहे हैं, जिसमें 13 को जो है वो अलवर में एक, मतलब आज एक सभा होने जा रही है उनकी अलवर में बड़ी सभा, जहाँ पे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के पक्ष में वो करेंगे प्रचार प्रसार करेंगे। दूसरी जो उनका है जयपुर में 15 को रोड शो एक संभावित है 15 तारीख को। तो ये दोनों सीटें ऐसी है जहां पर भाजपा को लगता है कहीं ना कहीं टफ कंटेस्ट हो सकता है या एक इम्पैक्ट अलग जाता है। जयपुर में अगर रोड शो होता है तो उसका पूरे स्टेट में एक अलग इम्पैक्ट जाता है, तो अमित शाह एक बड़ा रोड शो करने की तैयारी करें। वहीं हम प्रियंका गांधी की बात करें तो 14 अप्रैल को वो जालौर सिरोही वाली सीट पर जा रही हैं, सभा करेंगी वहां पर, रोड शो करने का उनका प्लान है। दूसरा जो है उनका वो बांदीकुई में भी एक बड़ी चुनावी सभा को संबोधित करेंगी। तो ये दो सीटें जिसमें बात करें, जालौर सिरोही से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सपोर्ट प्रियंका गांधी के जरिए या उनके एक बड़ी बड़े रोड शो के जरिए वो सपोर्ट लेना चाह रहे हैं। दूसरा दौसा सीट की भी हम बात करें तो यहाँ पे भी कांग्रेस प्रत्याशी जो है बांदीकुई में एक बड़ी सभा करवा के कहीं ना कहीं अपने फेवर में वोटर्स को लाने की कोशिश करेंगे। जी जी, तो कुछ और बड़े चेहरे इन दिनों में, आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे चुनावी रैलियां करते हुए। स्टार प्रचारकों की बात कर रहे हैं, ये तो राष्ट्रीय स्तर के स्टार प्रचारक हैं, राजस्थान में राजस्थान के भी कुछ नेता हैं जिन्हें स्टार प्रचारक बनाया गया है दोनों ही पार्टियों ने, बीजेपी और कांग्रेस ने। लेकिन ये जो स्थानीय स्तर के स्टार प्रचारक हैं, राजस्थान के स्टार प्रचारक हैं, उनका पूरे प्रदेश भर में दौरे नहीं देखने को मिल रहे हैं, वो कुछ क्षेत्रों तक सीमित हैं। आज इस खबर को भी प्रमुखता से फिर से प्रकाशित किया गया, किस तरह से देख रहे हैं राजस्थान के स्टार प्रचारक? देखिए अब प्रदेश स्तर के नेताओं की बात करें तो भूपेंद्र यादव, अर्जुन राम मेघवाल, दो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, तीसरे केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी, चौथे केंद्रीय मंत्री, 4 तो केंद्रीय मंत्री जो राजस्थान में स्टार प्रचारक हैं। पहली तो दूसरा हम बात करें प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की, वो स्टार प्रचारक हैं और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला स्टार प्रचारक हैं। तो जो खबर प्रकाशित हुई उसमें ये है कि ये 6 स्टार प्रचारक हैं और 6 की 6 जो हैं चुनाव लड़ रहे हैं। जैसे हम बात करें भूपेंद्र यादव की तो अभी बात हुई है अलवर में चुनाव लड़ रहे हैं, अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर से लड़ रहे हैं चुनाव, गजेंद्र सिंह शेखावत परंपरागत सीट जोधपुर से अपना चुनाव लड़ रहे हैं, कैलाश चौधरी बाड़मेर से चुनाव लड़ रहे हैं, सीपी जोशी चित्तौड़गढ़ से और ओम बिरला कोटा से। तो 6 के 6 अपनी अपनी सीटों पर उलझे हुए हैं और नए सिरे से इनमें कोई ऐसी कोई कवायद नहीं है कि वो कहीं और जाकर बड़ी सभा प्रचार कर पाएं, अपनी ही सीटों पर ये लोग उलझे हुए हैं। तो स्टार प्रचारक हैं लेकिन चुनाव लड़ने के कारण ये अपने क्षेत्र से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। वहीं हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में स्टार प्रचारक के रूप में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष जो हैं डॉक्टर सीपी जोशी का नाम आता है, लेकिन वो खुद भीलवाड़ा से चुनाव लड़ रहे हैं। तो स्टार प्रचारक ऐसे लोगों को बनाया जाना बड़ा अजीब स्थिति हो जाती है पार्टी के लिए, क्योंकि वो खुद अपनी ही सीट पर अगर उलझे रहेंगे तो वो प्रदेश भर में प्रचार नहीं कर सकते, और स्टार प्रचारक वो होते हैं जो प्रदेश और देश दोनों जगह जाकर प्रचार कर सकें और पार्टी के लिए वोट मांग सकें। तो ये स्थिति बड़ी अजीब सी हो जाती है और विकट हो जाती है। उसके अलावा हम बात करें और अन्य भाजपा के स्टार प्रचारकों की बात करें जो नेशनल लेवल के हैं, तो उसमें नितिन गडकरी का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि वो बड़े एक कहते ना प्रोमिनेंट और फेमस फेस हैं ऑल ओवर इंडिया में।
कि जिस तरह से वो सड़कों का विस्तार और विकास उन्होंने किया और बड़ी बड़े हाईवेज बनाने की जो काम उन्होंने किए, उस हिसाब से एक नितिन गडकरी का नाम अलग से ही लिया जाता है कि द मोस्ट एफिशिएंट मिनिस्टर इन सेंट्रल गवर्नमेंट, जिनके डिपार्टमेंट की चर्चा बार बार होती रहती है। दूसरी हम बात करें, मोहन यादव हुआ, केशव प्रसाद मौर्य हुआ, देवेंद्र फडणवीस को भी स्टार प्रचारक के रूप में रखा गया है, जो मध्य प्रदेश के महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं। संजीव बालियान हुए, कृष्णपाल सिंह गुर्जर हुए, पुरुषोत्तम रूपाला, और दिल्ली से मनोज तिवारी का भी नाम आता है। तो ये अन्य है, लेकिन राजस्थान में इनका कितना इम्पैक्ट है पता नहीं। नितिन गडकरी का तो फिर भी कह सकते हैं हम एक बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है, बाकी तो ये जातिगत वोटों वाली बात हो सकती है कि वो लोग आते हैं। मोहन यादव जैसे मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, वो एक कहीं ना कहीं यहाँ पे हालांकि उलझे हुए अपने स्टेट में है क्योंकि उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा मध्य प्रदेश की है, लेकिन राजस्थान में भी उनको स्टार प्रचारक माना गया है। जी जी, तो ये तमाम स्टार प्रचारक हैं, लेकिन इनके दौरे फिलहाल ज़्यादा नहीं हो रहे, प्रदेश भर में दौरे नहीं हो रहे। इनमें दो नाम और प्रमुखता से हैं, दोनों पूर्व सीएम हैं, अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे। इनके भी दौरे गायब से हैं, प्रदेश भर में दौरे नहीं हो रहे हैं। ये भी इनके जो दूसरी जनरेशन है, सेकेंड जनरेशन है, अपने अपने पुत्र को क्षेत्र में जिताने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। ये खबर प्रमुखता से आज प्रकाशित हुई है। चलिए एजेंडा टुडे कार्यक्रम में वक्त यहां हो चला एक छोटा सा ब्रेक लेने का। वापस लौट कर आएंगे तो कुछ और बड़ी खबरों पर चर्चा करेंगे और आपको आगे काम की खबरें बताएंगे। आप बने रहिए पत्रिका टीवी के साथ। चाहे कोई कानों पर हाथ रख ले या फिर दिल पर पत्थर या आंखों पर पट्टी ही क्यों ना बांध ले, लेकिन हम हमेशा जनता की तकलीफों को समझते हैं और कभी चुप नहीं बैठते। हमने हर वो मुद्दा उठाया जो आम आदमी से जुड़ा है। प्रशासन को हमारी बात सुनने पर और लोगों की परेशानियों का हल निकालने पर मजबूर किया। हमारी आवाज ना कभी रुकी है ना थमी है। हम हैं आपकी अपनी राजस्थान पत्रिका। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है एजेंडा टुडे कार्यक्रम। आप देख रहे हैं जहां हो रही है बड़ी खबरों पर चर्चा। ब्रेक से पहले लोकसभा चुनाव पर चर्चा कर ही रहे थे, ब्रेक के बाद भी कुछ बड़ी खबरों पर चर्चा कर लेते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू पत्रिका में आज प्रकाशित हुआ है। कई सवालों के उन्होंने जवाब दिए हैं। किस तरह से देख रहे हैं सीएम भजन लाल शर्मा के इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू को, शरद जी? हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमित वाजपेयी जी ने इंटरव्यू लिया और बड़े बेबाक सवाल उन्होंने किए और उतने ही बेबाक जवाब चीफ मिनिस्टर ने भी दिए हैं। जो कि हम देखें, निजी तौर पे हम बात करते हैं कि कई चीज़ों में उन्होंने जो बातें कही, कि एक सवाल पूछा गया चुनाव कौन जिताएगा, पीएम मोदी का फेस या आपके 4 महीने के काम, तो ये एक बड़ा कठिन प्रश्न है एक नए चीफ मिनिस्टर के लिए और बड़ा बेबाक सा सवाल था। और उसका जवाब उसी तरीके से मिला कि हाँ, देश का चुनाव है तो राष्ट्रीय फेस जो है वही स्टेट का भी फेस होगा और वही जितवाएगा। पीएम मोदी के फेस पर चुनाव लड़ा जा रहा है और पीएम मोदी के ओर से प्रसारित योजनाएँ जो हैं उन्हीं को आधार मानकर चुनाव लड़ा जा रहा है। उसी तरह से बात हुई कुछ टफ कंटेस्ट वाली सीटों की, जिसमें कहा गया बाड़मेर, दौसा, टोंक, सवाईमाधोपुर, चूरू की सीटें जो है कहीं ना कहीं एक चुनौतीपूर्ण जो है सीटें भाजपा के लिए है, तो वहाँ पर भी सीएम ने एक ही जवाब दिया कि हमारी सरकार ने अच्छा काम किया है और पार्लियामेंट के चुनाव है और पीएम मोदी ही फेस हैं, तो उस हिसाब से 4 जून को 400 पार वाली बात उन्होंने अपने इस इंटरव्यू में स्पष्ट रूप से कही है कि 4 जून को जो रिजल्ट आएगा वहाँ बीजेपी 400 पार होगी। तो ये कुछ बड़े टफ सवाल थे। हालांकि निजी तौर पर भी उन्होंने उनसे कुछ सवाल पूछे गए, जैसे कि बात की जाए कि राजनीतिक प्रतिद्वंदी किसको मानते हो अपना, तो उन्होंने बड़ा एक कहते ना कि वो बेबाकी का जवाब था कि मेरी थकान जो है वही मेरा प्रतिद्वंदी है, कि जिस दिन मैं थक जाऊंगा उस दिन मैं हार जाऊंगा वाली बात होती है ना, कि मैं थकूंगा नहीं, मैं आगे बढ़ता रहूंगा उस हिसाब से। तो एक अलग मतलब एक नई तरीके की चीज़ें रहीं, नई तरीके की बातें भी हुई है और कई टफ जो क्वेश्चंस थे उनसे जो पूछे गए, कि गठबंधन की बात को लेकर भी उन्होंने कहा, तो कहा कि गठबंधन पूरे देश में अभी पार्टियों के बीच में चल रहा है, तो ये कोई नई बात नहीं है और ये सही भी कह रहे हैं वो, क्योंकि पिछले चुनाव में जहां हम बात करें 2014 में बीजेपी 25 की 25 सीटों पर राजस्थान में जीती थी, लेकिन 2019 में उन्होंने एक गठबंधन किया था और एक सीट
छोड़ी थी आरएलपी के लिए। तो ये गठबंधन तो कहीं ना कहीं एक वो जीत की एक स्ट्रेटेजी होती है जो पार्टीज के बीच में हमेशा से चलती रहती है। दूसरा ये बात, एक और सवाल था कि आप सीधे चीफ मिनिस्टर बनाए गए विधायक बनने के साथ ही और किसानों से आप जुड़े हुए हैं, तो विकास की फसल को लेकर आप पूछा गया कि आप किस तरह से बोएंगे, तो उन्होंने ये कहा कि मैं कार्यकर्ता हूँ, किसान मेरे लिए सर्वोपरि हैं और मैं चूंकि जमीन से जुड़े हुए हैं, जीरो लेवल से उन्होंने काम करके आज चीफ मिनिस्टर की पोस्ट तक पहुंचे हैं। तो कुछ कुछ जवाब उन्होंने ऐसे दिया है कि गरीब अपने परिवार को का कैसे लालन पालन करता है यह मुझे पता है और उसी के उसी को आधार बनाकर वो अपना आगे का काम करेंगे। तो कुछ नए मतलब इस तरह के सवाल रहे, जैसे राजस्थान में सूखा प्रदेश है, अकाल की स्थिति रहती है, उससे किस तरह से निपटा जाएगा, नई अलग अलग बातें हुई। बिजली को लेकर एक बड़ा सवाल उन्होंने पूछा कि बार बार संकट खड़ा हो जाता है, औद्योगिक क्षेत्र आम जनता के साथ औद्योगिक क्षेत्र भी जो है इसमें परेशान होते हैं, तो कई चीज़ों के लिए वो समाधान वाली बात कर रहे हैं, बिजली कंपनियों में कुछ नई चीज़ें करने की बात कर रहे हैं। जी जी, तो बेबाक सवाल बेबाक जवाब, राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आप विस्तृत तौर पर राजस्थान पत्रिका के आज के अंक में पढ़ सकते हैं। और लोकसभा चुनाव की हलचलें तेज हैं और इसी बीच एक शब्द चर्चा में है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जी हाँ, जमीनी स्तर पर तो प्रचार प्रसार लगातार हो ही रहा है, सभी अपना दमखम लगा रहे हैं, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और सोशल मीडिया पर भी जमकर काम हो रहा है, सभी राजनीतिक दल इस पर भी फोकस किए हुए हैं। किस तरह से देख रहे हैं इस लोकसभा चुनाव में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और सोशल मीडिया का रोल, किस तरह से देख सकते हैं? देखिए, सोशल मीडिया एक सस्ता सुलभ प्रचार का साधन बन गया है और एआई का उपयोग उसके अंदर एक कहते हैं कि सोने पे सुहागे वाली बात है कि हाँ आप एआई का उपयोग कर रहे हैं सोशल मीडिया में या सोशल मीडिया का उपयोग एआई के साथ हो रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं डायरेक्टली इम्पैक्ट डालने की कोशिश की जा रही है मतदाताओं के ऊपर। अब इसमें सबसे देखें, आप प्रचार प्रसार की बात करें या एक वर्चस्व वाली बात करें सोशल मीडिया में, क्योंकि फॉलोअर्स कितने हैं आपके, उसको लेकर भी बड़ी चर्चा रहती है। तो अभी फिलहाल भारतीय जनता पार्टी जो बीजेपी की हम बात कर रहे हैं वो करीबन कुल मिलाकर भी अगर देखा जाए तो करीबन 5 करोड़ से ज़्यादा फॉलोअर उनके सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर हैं। वहीं कांग्रेस की अगर हम बात करते हैं तो करीबन 2.5 से 3.25 करोड़ फॉलोअर्स कांग्रेस के भी हैं। तो दोनों ही पार्टियां इन फॉलोअर्स के साथ साथ नए जो एक तरह से कहते हैं ना व्यूअर्स जो हैं उनको एआई के माध्यम से सोशल मीडिया पर अपनी ओर कन्वर्ट करने की जो कि एक बात हो रही है कि आभासी दुनिया में माइंड हैकिंग पर करोड़ों रुपए दाव पर लगाए हैं। अब यहां पे भाजपा में बात आती है तो 2015 से भाजपा ने अपनी आईटी सेल को सक्रिय कर रखा है और अमित मालवीय ने इसको एक अलग ही आयाम दे दिया है। वहीं कांग्रेस की अगर हम बात करते हैं तो पत्रकार रही सुप्रिया श्रीनेत्र इसको संभाल रही हैं और उसी लेवल पर वो काम करने की कोशिश भी कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं एक टफ कंटेस्ट देखने को मिल सकता है कहीं इसमें भी सोशल मीडिया के प्रचार प्रसार में, लेकिन दोनों ही तरफ से एक बात आती है कि जो कंटेंट है जो प्रसारित किया जा रहा है सोशल मीडिया पर वो कितना सही है कितना गलत है इसका आकलन अभी करना मुश्किल होगा, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप के दौर भी चलेंगे और सही और गलत कंटेंट आएंगे भी। तो मतदाता भी इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें कि कहीं किसी तरह का कंटेंट जो है उसको फॉलो करने से पहले एक बार उसकी वैलिडिटी को जरूर चेक करें। जी जी, तो माइंड हैकिंग पर करोड़ों रुपए दाव पर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर यानी सोशल मीडिया पर सभी राजनीतिक पार्टियां फोकस किए हुए हैं, खर्चा कर रही हैं। चलिए बढ़ते आगे, राजस्थान में कुछ अन्य खबरों पर भी रुख कर लेते हैं। एक खबर लगातार सुर्खियों में बनी हुई है, रेजिडेंट डॉक्टर्स स्ट्राइक पर रहे और लगातार उनकी डिमांड्स जारी हैं और रेजिडेंट डॉक्टर्स जब भी काम छोड़कर जाते हैं, जब भी हड़ताल करते हैं या कार्य बहिष्कार करते हैं, इसका सीधा असर जन स्वास्थ्य में पड़ता है, अस्पतालों की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में पड़ता है। किस तरह से देख रहे हैं रेजिडेंट डॉक्टर्स बार बार इस तरह के उग्र रुख अपनाते? देखिए, रेजिडेंट डॉक्टर्स की जो हड़ताल है, मतलब वैसे तो मैं कहूँगा कि बार बार होती है या ऐसा है ये नहीं कहूँगा मैं इस बात को, लेकिन इस बार जो रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल हो रही है उन्होंने एक रीज़न दिया है इसको लेकर। कांवटिया हॉस्पिटल जयपुर का जो है वहाँ पर एक प्रसूता को इलाज नहीं मिल पाया जैसा कि कहा जा रहा है और उसे बाहर निकलते समय अस्पताल के गेट पर ही उसका प्रसव हो गया, बच्चे को उसने जन्म दिया और इसके लेकर बड़ा एक बवाल भी हुआ और इसकी जांच के बाद वहाँ कार्यरत 3 रेजिडेंट्स को निलंबित किया गया। अब यहाँ तक कार्रवाई समझ में आती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है
कि रेजिडेंट्स को आपने निलंबित किया है, तो उस वक्त के सीनियर डॉक्टर्स जो वहां पर मौजूद थे या जो रिस्पॉन्सिबल थे इस सब के, रेजिडेंट एक स्टूडेंट है, मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, रेजिडेंट डॉक्टर एक स्टूडेंट है, वो पढ़ रहा है, आप उसकी जिम्मेदारी तय नहीं कर सकते हैं इस तरीके से। वहां जो सीनियर डॉक्टर, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसकी है, जो सेक्शन का हेड है, या हम अस्पताल अधीक्षक की बात करते हैं, अगर वो भी है तो दोनों की जिम्मेदारी भी उसी के अनुसार तय होनी चाहिए। और रेजिडेंट डॉक्टर्स की डिमांड भी यही है कि सिर्फ रेजिडेंट्स पर ही गाज क्यों? अगर वहां पे सीनियर डॉक्टर होता जो नहीं था या था, जो भी बात है, तो इस तरह की जिम्मेदारी या इस तरह की जो घटनाक्रम था उसमें कहीं ना कहीं वो अपने अनुभव के अनुसार कार्य करता। लेकिन यहां स्थितियां दूसरी रही, या तो सीनियर डॉक्टर नहीं था या उन्होंने उस स्तर पर इस मामले को नहीं लिया। तो जिम्मेदारी जितनी आप रेजिडेंट डॉक्टर्स की बताते हैं, उतनी ही जिम्मेदारी मैं मानता हूं वहां उपस्थित या अनुपस्थित जो भी था, उस विंग का हेड रहा हो या आप अस्पताल अधीक्षक की बात करें, तो ये इस तरह की अगर घटनाक्रम होती है तो वो भी उतने ही जिम्मेदार हैं। आप कहते हैं ना कि प्रमुख को इसलिए नहीं छोड़ सकते कि जूनियर ने काम सही नहीं किया, और जूनियर भी वो है जो स्टडी कर रहा है। मैं फिर एक बार दोहराऊंगा इस बात को, रेजिडेंट डॉक्टर स्टूडेंट हैं, वो एक आप उनके उनको जिम्मेदारी दे सकते हैं जो दी जाती है। सीनियर डॉक्टर्स उनके भरोसे वार्ड छोड़ देते हैं, उनके भरोसे आउटडोर भी छोड़ देते हैं, उनकी उपस्थिति कितनी होती है ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। पूरी जिम्मेदारी एक रेजिडेंट डॉक्टर पर छोड़ दी जाती है, वो अपने 24 घंटे के दौरान, मैं पक्ष ले रहा हूं, इसलिए ले रहा हूं क्योंकि एक बीइंग अ स्टूडेंट आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, आप हॉस्पिटल की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी संभाल रहे हैं और उसके अलावा अन्य कार्यों में भी आप व्यस्त रहते हैं। तो एक रेजिडेंट 24 घंटे में लगातार जब काम कर रहा है तो इस तरह की घटनाक्रम होना स्वाभाविक है। और ऐसे में एक सीनियर डॉक्टर्स का उनके साथ होना, जो कि इन्होंने डिमांड भी रखी है कि सीनियर डॉक्टर्स की जिम्मेदारी होनी चाहिए इमरजेंसी और अन्य सेवाओं में, जो आपातकालीन सेवाएं हैं उसमें इस तरह की जो घटनाएं ना हो उसके लिए सीनियर डॉक्टर्स का वहां होना जरूरी है। जो बार बार मतलब इस तरह की घटनाओं के बाद भी शायद अभी तक इस पर कोई कवायद नहीं हुई है। हमारे राज्य के कहूँगा कि नई सरकार भी बनी है, नए मुख्यमंत्री हैं, ऊर्जावान हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाक्रम को रोकने के लिए एक कोई स्ट्रिक्ट डिसीजन लेना चाहिए। और वहीं हम बात करें कि बार बार जैसे चीफ सेक्रेटरी भी जो हैं वो दौरा कर रहे हैं, हेल्थ सेक्रेटरी जो हैं ACS हैं वो भी दौरा करनी है, तो सिर्फ सफाई व्यवस्था पर ध्यान न दें, प्रशासनिक स्तर पर या ट्रीटमेंट के लेवल पर जो काम हो रहा है उस पर भी ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है। सिर्फ ये नहीं कि हॉस्पिटल में गए कौन उपस्थित रहा कौन नहीं रहा, कहाँ सफाई हुई क्या नहीं हुई, दवा है या नहीं है, लेकिन आप ये भी देखें कि वहाँ पर जो सीनियर डॉक्टर्स हैं या रेजिडेंट्स हैं उनका काम कैसा चल रहा है, वो उपस्थित होते हैं तो कितने से कितने बजे तक रहते हैं, इसका भी एक औचक निरीक्षण होना जरूरी है। जी जी, तो जयपुर से हालांकि जुड़ा हुआ ये मामला है, लेकिन बड़ी खबर इस वजह से है कि आज प्रदेश भर में इसका असर देखने को मिल सकता है। तमाम जो वार्ताएं जयपुर में हो रही थी वो अब तक बेनतीजा निकली हैं और आज प्रदेश भर में कार्य बहिष्कार की चेतावनी। देखिए, इसमें नकुल मैं स्पष्ट कर देता हूं कि ये घटनाक्रम जो है वो चार पांच दिन, आज पांचवा दिन है करीबन ये होते हुए, रेजिडेंट जो है जयपुर में स्ट्राइक पर हैं और काम नहीं कर रहे हैं, और कल उनके सपोर्ट में पूरे प्रदेश में जितने सरकारी चिकित्सालय थे 2 घंटे का कार्य बहिष्कार रेजिडेंट्स ने किया है, और आज फॉलोअप में एक बड़ी स्ट्रेटेजी बन सकती है। और बात भी करते हैं कि सरकार की बात करें हम तो अभी चुनाव पर ज़्यादा फोकस है, आम जनता की इस पीड़ा को फिलहाल सरकार नहीं देख पाई या उनकी नज़र में नहीं आई है, जो कि देखा जाना जरूरी है। जो कि कहें हम बात की, अभी मौसमी बीमारियों का प्रकोप बढ़ने की संभावना लगातार बढ़ रही है, और ऐसे में अगर इन सब चीज़ों की अनदेखी की जाती है तो मैं मानता हूं कि आम जनता पर या जो मरीज इलाज के लिए आ रहे हैं उनके ऊपर काफ़ी असर पड़ने वाला है। और अगर रेजिडेंट वाकई में लंबी स्ट्राइक पर गए तो ऑपरेशंस होल्ड होंगे, वार्ड में पेशेंट्स की भर्ती कम होगी, तो ये एक तरह से चिकित्सा व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा प्रहार होने की तैयारी है। तो इसको, इसमें सुधार या को देखने के लिए या तो CM लेवल पर कार्रवाई हो या चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर जो है अपने लेवल पे कहीं निर्णय लें इस चीज़ के लिए, और मध्यस्थता बनाकर एक सटीक या कहना कि दोनों के फेवर के हिसाब से एक निर्णय लिया जाए। जी जी, तो चलिए अब ये बड़ी खबर है और इस बड़ी खबर पर चर्चा करने के साथ ही वक्त हो चला है बड़ी खबरों पर चर्चाओं को यहीं पर विराम देकर आगे बढ़ने का। कार्यक्रम में काम की क्या कुछ खबरें हैं वो आप तक पहुंचा देते हैं, आइए जानते हैं क्या कुछ काम की खबरें। काम की खबरों में लोकसभा चुनाव 2024 के तहत राजस्थान में जब्त हुई अवैध शराब, नकदी और अन्य वस्तुओं का आंकड़ा पहुंचा 760 करोड़ रुपए के पार। आचार संहिता लगने के बाद मार्च और अप्रैल माह में ताबड़तोड़ कार्रवाई।
लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राजस्थान में कानून व्यवस्था की स्थिति पर रखी जा रही कड़ी नजर। अब तक 1,55,000 लाइसेंस हथियार जमा, अब तक 1,000 से ज्यादा अवैध हथियार जब्त। अब घर बैठे देख सकेंगे मतदान केंद्र का स्टेटस। निर्वाचन आयोग ने तैयार किया वोटर क्यू ट्रैकर ऐप, गर्मी में मतदान को लेकर नवाचार। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय, दक्षिणी इलाकों में बारिश तो पश्चिमी राजस्थान में गर्मी के तीखे तेवर, बाड़मेर रहा सबसे गर्म। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कल का दिन का रहा साल का सबसे गर्म दिन, पारा पहुंचा 39.4 डिग्री सेल्सियस। रामनवमी के दिन 17 अप्रैल को अयोध्या में होगी अद्भुत घटना, रामलला के ललाट पर सूर्यदेव करेंगे तिलक, राम मंदिर में किया गया सफल परीक्षण। लोकसभा चुनाव से पहले आरजेडी को बड़ा झटका, पूर्व राज्यसभा सांसद अशफाक करीम ने दिया इस्तीफा। भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र तैयार, 14 अप्रैल को घोषित होने का संभावित कार्यक्रम। बेंगलुरु कैफे ब्लास्ट केस में एक आरोपी कोलकाता से गिरफ्तार, एनआईए को मिली 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड। भारतीय विदेश मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी, ईरान और इजराइल की ना करें यात्रा। बीआरएस नेता के कविता को सीबीआई हिरासत में 15 अप्रैल तक के लिए भेजा गया, दिल्ली सरकार में शराब घोटाले से जुड़ा हुआ है मामला। गृह मंत्रालय ने सिक्किम से बीजेपी नेता दिली राम थापा को दी वाई कैटेगरी की सुरक्षा। मुंबई में वर्ष 2019 अंडरवर्ल्ड जबरन वसूली कॉल मामले में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद के भतीजे सहित 3 बरी हो गए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की ईरान को चेतावनी, इसराइल पर हमला ना करने की नसीहत। आईपीएल क्रिकेट के कल खेले गए मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से दी शिकस्त। तो चलिए इन्हीं काम की खबरों के साथ आज के एजेंडा टुडे कार्यक्रम में इतना ही, रख रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका शरद शर्मा जी, आप हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहे बड़ी खबरों पर चर्चा की। तो चलिए अब आप सभी से सोमवार को मुलाकात करेंगे, फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।